हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए यू कॉमर्स स्कॉलर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे कि भैया ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये किसे कहा जाता है। आइए शुरुआत करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम के लिए कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी एजेंसीज का, एंटिटीज का, और कुछ ऑथर्स तो ये डिफाइन करते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स का ये कॉम्बिनेशन है जो प्रोवाइड कराता है एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और जो एक सोशल कम्युनिटी को डिफाइन करता है। एन इकोनॉमिक सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस एजेंसीज, एंटिटीज और इवन सेक्टर्स एज डिस्क्राइब्ड बाय सम ऑथर्स दैट प्रोवाइड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस द सोशल कम्युनिटी। एक बार फिर से जानेंगे कि एक इकोनॉमिक सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे एजेंसीज, एंटिटीज और सेक्टर्स का। सेक्टर्स को बहुत सारे ऑथर्स ने ऐड किया है, ठीक है, और ये एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है जो एक सोशल कम्युनिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन हो गई। आगे कह रहे हैं कि ये जो एजेंसीज हैं आर जॉइंड बाय लाइंस ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज अलॉन्ग विद गुड्स मनी एसेट्रा आर कंटिन्यूसली फ्लोइंग। इन्होंने कहा ये जो एजेंसीज बनी है, ठीक है, ये लाइन ऑफ ट्रेड में बनी हो चाहे एक्सचेंज में बनी हो ऑफ गुड्स या मनी में, ठीक है, ये कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है, ये रुकी नहीं है। इसका फ्लो हमेशा, मतलब सर्कुलेशन जो है वो चलता चला जा रहा है और रुक नहीं रहा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन, एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक इनपुट्स। एलोकेशन का मतलब होता है डिविजन या डिस्ट्रीब्यूशन, आप समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है कि इकोनॉमिक सिस्टम में प्रोडक्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इनपुट्स आता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट आता है, लैंडलॉर्ड्स आते हैं, लैंड की अवेलेबिलिटी आती है, हाउस होल्ड्स आते हैं जिसके अंदर अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी का आता है। मतलब हाउस होल्ड के अंदर क्या आता है, अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट आता है, बैंक आते हैं, बैंक्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहते हैं ना, गवर्नमेंट आते हैं, ये सारा का सारा जो भी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है और इसके बहुत सारे सोशल रिलेशंस हैं, तो ये सारा का सारा इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, एक बार और समझते हैं इसे कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्रोडक्शन, एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक इनपुट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट्स, ठीक है, एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक इनपुट का मतलब भाई इकोनॉमिक, हर एक चीज को हम पैसे से कंपेयर करते हैं, मतलब हम मेजर करते हैं और उसे एज अ इनपुट हम समझते हैं, चाहे लैंड की बात करें, लेबर की बात करें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं जिससे हम कोई आउटपुट तैयार करते हैं। तो जो भी हमारे पास इनपुट है उसका प्रॉपर एलोकेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, ठीक है, जो भी आउटपुट निकला उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, फिर लैंडलॉर्ड्स आप समझते हैं, जमींदार जिसे हम कहते हैं, फिर लैंड की कितनी अवेलेबिलिटी है, हाउस होल्ड में दो चीज़ें इन्होंने बोला कि वो कमाते भी हैं हाउस होल्ड के लोग और उसे खर्च भी करते हैं गुड्स और सर्विसेज में एक इकॉनमी के अंदर, ठीक है, कैपिटलिस्ट हो गए, बैंक में फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बैंक हो गए, ठीक है, और सरकार जो गवर्नमेंट है। आगे कह रहे हैं कि इट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड वेरियस सोशल रिलेशंस। ये सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बहुत सारे सोशल रिलेशंस हैं। आगे हम इसे ऑल्टरनेटिवली समझ सकते हैं कि इट इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बाय विच प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर एड्रेस्ड, ठीक है, सच एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी थ्रू एलोकेशन ऑफ फाइनाइट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इन्होंने बोला कि ये कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, इकोनॉमिक सिस्टम कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी। स्केयरसिटी तो आप जानते हैं ना, स्केयरसिटी इज अ सिचुएशन और अ कंडीशन जहां पे डिमांड ज्यादा होती है और कंपेरेटिवली सप्लाई कम होती है। तो स्केयरसिटी एक सिचुएशन आती है या एक ऐसी कंडीशन होती है जहां डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है कंपेरेटिवली, तो ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और इसे सॉर्ट आउट किया जाता है एलोकेशन ऑफ फाइनाइट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, फाइनाइट का मतलब लिमिटेड नेचर के, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके हम स्केयरसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर।
आगे कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे पीपल आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, रूल्स, रिलेशनशिप सब आता है. तो एन इकोनॉमिक सिस्टम इज कंपोज ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशंस, रूल्स एंड रिलेशनशिप. आगे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक सिस्टम इंक्लूड कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम एंड मिक्सड इकोनॉमीज. तो भाई 1947 तक और उसके पहले हमारा देश इंडिया ये भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सिस्टम था, ठीक है. और 1947 में आपको मालूम है ना, $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज के बराबर था, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम था. हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स का शासन था हमारे देश में. सोशलिस्ट सिस्टम चाइना में अभी प्रिवेल कर रहा है, और उसके बाद 1947 के बाद इंडिया का जो सिस्टम बना आजादी के बाद वो था मिक्स्ड इकोनॉमीज. एक्चुअली दो तरीके की इकोनॉमीज होती है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट. मिक्स्ड हमने क्या किया कि कैपिटलिस्ट की भी कुछ अच्छी क्वालिटीज ले ली, सोशलिस्ट की भी कुछ अच्छी क्वालिटीज ले ली, दोनों को मर्ज कर दिया और हमने एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमीज, ठीक है. आगे कहा जा रहा है, तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम अपनाया और आज भी इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम है, लेकिन धीरे धीरे ये कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. सरकारी चीजों को बेचना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, और साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन, एक्चुअली उसे प्राइवेटाइजेशन कम कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा कहते हैं. और डिसइन्वेस्टमेंट की थ्योरी यही बताती है कि सरकार अपनी रिसोर्सेज को बेच देती है प्राइवेट सेक्टर्स को, ठीक है. डिसइन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप पैसे लगाते हो, कोई चीज खरीदते हो. डिसइन्वेस्टमेंट में चीजें उल्टी हो जाती हैं, आप जो चीज खरीदी उसे बेचते हो और पैसा लेते हो. तो सरकार ने जहां जहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सरकार क्या करती है, उसे डिसइन्वेस्ट करती है. लेकिन जनरल पब्लिक की भाषा में हम उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं. सरकार अपना शेयर पब्लिक, प्राइवेट लोगों को जब बेच दे रही है तो प्राइवेटाइजेशन हो गया. और लास्ट में कह रहे हैं कि टुडे द वर्ल्ड लार्जली ऑपरेट्स अंडर ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक सिस्टम इन द इकोनॉमिक्स कैटेगरी दैट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सच सिस्टम. तो आज के टाइम पे जो लार्जली दुनिया ऑपरेट कर रही है वो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम पे ऑपरेट कर रही है, और जो ज्यादातर कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम का. और इकोनॉमिक्स की जो कैटेगरी है उसमें ये सारे के सारे सिस्टम आते हैं. दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई ये इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है. इसके बेसिकली 3 सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमीज. आई होप एंड बिलीव कि आपको वीडियो से सीखने को मिला हो. अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब भी आप आंसर लिखें तो इकोनॉमिक सिस्टम में या आप इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.